अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज रियल स्टेट एडवाइज़र्स आप लोगों को बहरिया लाइफस्टाइल इस्लामाबाद का विज़िट कराएगी और डिटेल्स बताएगी। उसके हिसाब से हमें काफ़ी क्यूरीज आती थी कि लोकेशन क्या है, लोकेशन थोड़ी बताई जाए, तो हम लोग आज डिटेल में जो है लोकेशन एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग के सामने देख रहे हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, और अगर यहाँ से स्ट्रेट जाएँ तो हम लोग टूवर्ड इस्लामाबाद जाएँगे, और यहाँ पर ये PWD इंटरचेंज जो है वो जो है डेवलप हो रहा है। PWD इंटरचेंज का भी हम आपको बताएंगे, और PWD इंटरचेंज बनने के बाद बहरिया लाइफस्टाइल पे काम करने की परमिशन मिलेगी। जो डिगिंग और वो सारी चीज़ें हैं स्टार्ट हो जाएंगी तकरीबन बाय दिसंबर। अभी जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं काफ़ी ओके NOC इन प्रोसेस हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स को NOC मिल चुका हुआ है, बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। जैसे ही उनके पास NOC आएगा वो इस चीज़ पे आगे डेवलपमेंट स्टार्ट करते जाएंगे। बहरिया लाइफस्टाइल के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है। अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम आपको बताएं तो इस प्रोजेक्ट की जो टोटल स्पेस है वो है तकरीबन 102 कनाल। तकरीबन 2-3 बार NOC जो है अप्रूव हुआ है। पहले लैंड जो थी यहाँ पे जो एक्वायर्ड लैंड थी वो तकरीबन 82 कनाल थी। जो 82 कनाल के बाद जो है बहरिया टाउन ने इसी बहरिया लाइफस्टाइल में कुछ और जो है कनाल भी ऐड किए, तो तकरीबन 102 कनाल टोटल बहरिया लाइफस्टाइल का स्पेस बनती है। सो अभी हम एक्सप्रेस हाईवे पे और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स PWD इंटरचेंज। सो अब यहाँ पे बहरिया लाइफस्टाइल को अगर हम देखें तो ये बहरिया लाइफस्टाइल जो है इससे पहले बहरिया टाउन जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में भी बना चुका है, लेकिन ये इस्लामाबाद में बनने वाला पहला बहरिया लाइफस्टाइल का प्रोजेक्ट है, जो कि आप जिस तरह से देख रहे हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से तकरीबन 50-60 मीटर की दूरी पर वाक़ है। बहरिया लाइफस्टाइल से रिलेटेड अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे जो है इस डिस्क्रिप्शन में मैं और वीडियोस भी ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को मज़ीद और प्रोजेक्ट्स का और बहरिया लाइफस्टाइल का भी आइडिया होता रहे। ड्रोन फुटेजेस के लिए और उन चीज़ों के लिए आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये PWD का इंटरचेंज बनता है जो कि अंडरपास है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, और हम यहाँ से जाएँगे टूवर्ड्स बहरिया लाइफस्टाइल क्योंकि बिल्कुल साथ ही रास्ता है जाने के लिए। सो नाज़रीन देखिए, जैसे ही हम लोगों ने PWD इंटरचेंज से कट लिया और हमारे पास अब लेफ्ट राइट साइड पे जो है बहरिया लाइफस्टाइल की सारी लोकेशन है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिस तरह आपके पास एक ब्लेसिंग मॉल बन रहा है, आपके पास फ्रंट लाइन में आपके पास V9 आ जाता है, फिर आपके पास जो है ये सारा जितना आप राइट साइड पे देख रहे हैं ये सारा का सारा आपका पास बहरिया लाइफस्टाइल का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जिस तरह बाकी बहरिया लाइफस्टाइल के डिफरेंट सिटीज़ में प्रोजेक्ट है, यहाँ ये बिल्कुल उस तरीके से नहीं है। यूजली जो है कमर्शियल रेजिडेंशियल जो है प्लॉट्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंशियल कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, 8-10 प्रोजेक्ट्स बनेंगे जिसका हम आपको 1x1 डिटेल्स दिखा देते हैं। ये सारा का सारा ये बहरिया लाइफस्टाइल की ये मेन एंट्रेंस बनेगी। मेन रोड से अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आपका डिस्टेंस बनेगा, और सामने ही आपके पास डिफरेंट वो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे आपके पास वाइटले मॉल बन रहा है, और ये आप सामने देखें तो ये आपके पास बैक साइड पे स्वा गार्डन आ जाता है, और इस साइड पे दूसरी साइड पे जहाँ से हम एंटर हुआ था वो आपके पास PWD का रास्ता बनता है। यहाँ से हम अब बहरिया लाइफस्टाइल के अंदर चलते हैं और 1x1 आपको प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं सारे। सो यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे तो हमारे पास बहरिया लाइफस्टाइल का रास्ता शुरू हो जाएगा। ये आपके पास एंट्रेंस बनती है जिस पर अगर आप अभी देखें तो आपके पास डेवलपमेंट कंप्लीट हुई हुई है, और आपके पास जो है लैंड जो है वो लेवल हुई हुई है, जिसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे डेवलपमेंट जैसे ही आपको CDA परमिशन देता है डेवलपमेंट करने की, उसके साथ ही आप यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो राइट साइड मैं 1x1 आपको प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम यहाँ से राइट लेते हैं तो आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें आपके पास जो है RGS लाइफस्टाइल आता है। अगर आप इस साइड पे देखेंगे फ्रंट पे तो आपके पास V9 मॉल आ जाएगा, और डिफरेंट वो आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। इस साइड पे आपके पास सामने देख रहे हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास तकरीबन अपार्टमेंट्स के लिए जो जगह रखी गई है वो तकरीबन 42 कैनाल है। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ अ सोसाइटी है, तो सोसाइटी पे आपके जो CDA के अपने पॉलिसीज़ होती हैं सोसाइटी की वो इम्प्लीमेंट होती हैं, तो यहाँ पर आपके पास उस लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या चीज़ें आएँगी। हम लोग आपको अपडेट और डिटेल्स में बताते हैं बहरिया लाइफस्टाइल के अंदर और क्या होगा। तकरीबन लैंड जिस तरह से मैंने पहले बताई है 102 कैनाल की लैंड है जो कि बहरिया लाइफस्टाइल के अंदर आती है। ये प्रोजेक्ट जो है बहरिया
टाउन के अंडर आता है और सी डी ए अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें तकरीबन यहाँ पे 0.3 कैनाल जो है वो रिजर्व्ड लैंड है. उसके अलावा आपके पास कमर्शियल लैंड बनती है तकरीबन 5.1 कैनाल्स. आपके पास ओपन स्पेस यानी हर सोसाइटी के अंदर जिस तरह प्ले ग्राउंड और वो चीज़ें आती हैं सी डी ए की, जो भी प्रोजेक्ट सी डी ए के अप्रूव होता है, सी डी ए से अप्रूव होता है, तो उस सोसाइटी उस सेक्टर के अंदर आपके पास प्ले ग्राउंड भी आता है और आपके पास ग्रेवयार्ड और रोड्स या अम्यूनिटीज़ के लिए भी जगह छोड़ी जाती है. सो आपके पास 5 कैनाल स्पेस आती है कमर्शियल्स के लिए, ओपन स्पेस छोड़ी गई है. आपके पास तकरीबन जो है 8 कनाल अम्यूनिटीज़ के लिए, 7 कनाल की लैंड छोड़ गई है ग्रेवयार्ड और उस लिहाज को अगर आप देखें तो आपके पास जो है तकरीबन बनती है मज़ीद और लैंड आपके पास यहाँ पे आ जाती है. राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपके पास पर्ल स्क्वायर रेजिडेंशिया बनता है जो कि यहाँ पे है, और ये आपके पास इससे आगे आपके पास और प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं. रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको आइडिया होगा कि जिस तरह से बहरिया हमेशा से एक बेहतरीन डेवलपमेंट करके देता है, तो डेवलपमेंट के लिहाज से वो कोई नहीं है मसला. यहाँ पे आपके पास 2 कमर्शियल्स आ जाएंगे और हमारे राइट साइड पे मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल और कमर्शियल्स आ जाएंगे. ये आपके पास जो आप सामने आप देख रहे हैं ये स्ट्रिप जो है, ये आपके पास ये भी इस बहरिया लाइफस्टाइल के प्रोजेक्ट में आती है, और जो कि यहाँ पे ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन होगी. जो फ्रंट पे आपके पास आ रहे हैं उसमें आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में किसी में ग्राउंड प्लस 11 है, किसी में ग्राउंड प्लस 12 है, किसी में ग्राउंड प्लस 13 और 4 बन जाता है. आपके पास प्लॉट साइज़ अगर आप देखें तो 40x40 के प्लॉट्स बन रहे हैं मेजॉरिटी आपके पास, जिसमें आपके पास जो है तकरीबन 40x40 के आपके पास 16 प्लॉट्स बनेंगे इसके अंदर. और कवर्ड एरिया जो है वो तकरीबन 50% होगा हर प्लॉट के अंदर. सो अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ सामने आप देखें तो आपके पास स्वां गार्डन के इंटरचेंज, वो स्वां गार्डन आपको बैक साइड पे नज़र आ रही है, स्वां गार्डन का PSO पेट्रोल पंप है, और ये आपके पास जो है लोकेशन बनती है. आप राइट साइड पे भी देखें तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल और कमर्शियल्स बनेंगे, जिसमें आपके पास पर्ल स्क्वायर आ जाता है, पिनाकल टावर भी यहीं पर बनता है, यहीं पर उसकी लोकेशन बनती है. सो आपको डेवलपमेंट के लिहाज से नज़र आ रहा होगा कि यार डेवलपमेंट यहाँ पर लैंड उन्होंने बना के दे दिया कि यहाँ पे आप अब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. सो आप जैसे बहरिया लाइफस्टाइल में एंटर होते हैं आपके पास फ्रंट पे पहले कुछ जगह आएंगी और उसके बाद फिर आपके पास एंड पे कुछ जगहें हैं जिस पे आप जो है जहाँ पे डेवलपमेंट होगी. लेकिन ये बाकी बहरिया लाइफस्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आपके पास मेनली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनेंगे. सो अगर रोड्स के लिहाज से देखा जाए तो रोड्स आपके पास यहाँ पे तकरीबन ये सारी की सारी रोड जो हैं ये 50 फीट वाइड हैं, और तकरीबन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ओपन एरिया भी आएगा और बाकी चीज़ें भी आपके पास बनेंगी. प्लॉट का साइज़ आपके पास यहाँ पे कुछ प्लॉट जो हैं वो तकरीबन 75x140 का साइज़ है, कुछ प्लॉट्स आपके पास बड़े होंगे. यहाँ पे जो फ्रंट पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनका साइज़ आपके पास बड़ा है, बाकी प्रोजेक्ट्स का साइज़ आपके पास थोड़ा रिलेटिवली छोटा आता है. तो उस लिहाज से ये जो लोकेशन और प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, और क्योंकि अप्रूव्ड भी है उस लिहाज से जो है काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. और इन चीज़ों के बेस पे हम अपने व्यूअर्स को रिकमेंड भी करते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर. तो हम आपको NOC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप साइट विजिट करना चाह रहे हैं, आप कोई भी चीज़ देखना चाह रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको अवेलेबल इन्वेंट्री पता करने के स्टोर पे क्या क्या किस प्राइस में क्या चीज़ अवेलेबल होगी, तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं. हमारी टीम अवेलेबल होगी आपको डील करने के लिए, और विल ट्राई आवर बेस्ट हम आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके दें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आज के लिए इतना ही था. वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.